वेलकम बैक टू माय चैनल डार्क गेम्स। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? फिटफाट हैं? बिल्कुल ठीक हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक इन योर फ्यूचर लाइफ। और आज हम दोबारा से ग्रैनी का इजी मोड खेलने वाले हैं, क्योंकि बाकी मोड्स खेलना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, तो इसी वजह से ही हम इजी मोड ही प्ले करते हैं। तो भाई अभी बस स्टार्ट हो रहा है, डे वन स्टार्ट हो गया है, और आज तो हो सकता है हम क्लियर भी कर लें, और अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो चलो एक दिन का तुम लोग पार्ट देख के ही जाना। हो सकता है मेरी वीडियो पार्ट्स में आए, तो भाई इस चीज़ को इग्नोर करो, बस गेम एंजॉय करो और ट्रिक्स लो, बस नॉलेज लो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे हो सकती है। बस इससे तुम लोगों को फ़ायदा हो जाएगा आगे गेम प्ले करने में, बाकी भी काफ़ी ज़्यादा फायदे तुम लोगों को मिलते ही रहते हैं यार मेरे से, तो क्योंकि मैं तुम लोगों को क्लियर क्लियर कट बात बता देती हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई हो सकती है, जो मैंने खुद देखी होती है, मुझे खुद कहीं पे मिली होती है, तो वो मैं तुम लोगों के साथ ही बता देती हूँ। खैर, हो सकता है तुम लोगों को वो चीज़ वहाँ पे ना मिले, बट ट्राई तो कर ही सकते हो तुम लोग मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। तो बस इतना सा ही है। अभी मैं ये अंदर जाने वाली थी, तो मेरी वीडियो का बटन प्ले हो गया, और जो है बाकी वाले मेरे बटन्स नहीं प्ले हुए थे। तो अभी मुझे लगता है कि ग्रैनी में मुझे बहुत ही मुश्किल जगहों पे चीज़ें रखती गई हैं, क्योंकि उनको जैसे जैसे पता चल रहा है कि इसको समझ आ रही है कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टफ जगह पे रख देते हैं। तो भाई तुम लोगों ने अगर क्लियर करना है ना, तो स्टार्ट में ही क्लियर कर लेना, थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स मुझसे ले लेना, बट स्टार्टिंग में ही कर लेना तो तुम लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, वरना बाद में ना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर तो ग्रैनी भी बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती है ना, लाइक वो आपको कहीं भी नहीं जाने देती। नीचे जाओगे नीचे आके ब्लॉक कर देगी, ऊपर कहीं पे जाओ ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे दूसरा रास्ता ना हो, वहाँ पे आके ब्लॉक कर देती है, फिर काफ़ी देर तक ना आप। इस चीज़ से बचना हो ना, तो बस फिर यही करना के स्टार्टिंग में ही किसी की वीडियो देख के चलो, अगर मेरी नहीं देखना चाहते तो किसी की भी वीडियो देख के ना तुम लोग स्टार्टिंग में ही उसको ख़त्म कर देना, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में नहीं करोगे ना तो बाद में बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम होता है। खैर, अभी मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पे नीचे आके इसलिए बैठी हूँ कि जो है ग्रैनी आ जाए एक बार चक्कर लगा जाए, उसको इत्मीनान हो जाए कि ये नीचे नहीं है, फिर जब जाएगी ना तो फिर मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगी। इससे ये होता है कि एक बार हमने ग्रैनी का दर्शन किया हो ना, हमें भी अंदाज़ा होता है कि वो अभी इस टाइम कहाँ पे हो सकती है, और वो भी थोड़ा ना ईजी होती है। और अगर हमने ग्रैनी का काफ़ी देर तक दर्शन नहीं किया हुआ, तो फिर तो वो कहीं से भी टपक जाती है, समझ ही नहीं आती। भी देखते हैं इधर ही खड़े होके कि इधर आती है या नहीं आती। बट अभी मैंने यहाँ पे शॉटगन का एक पार्ट तो लगा लिया है, तीन पार्ट्स मुझे लगाने हैं, एक पार्ट मैंने लगा लिया है। और इस टाइम तक अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, मज़े मज़े की गेम्स मैं प्ले करती हूँ, लाइक फ्री फायर, पबजी मोबाइल, और भी बहुत सारी गेम्स होती हैं, तो इसीलिए कह रही हूँ कि अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अभी शोर हो गया था गलती से मेरे से, तब तो ग्रैनी ने मेरे पीछे आना ही था, इसी वजह से मैं वापस भाग गई हूँ। अगर मैं ऊपर चली जाती ना तो वो ऊपर वाले रास्ते में मुझे मार देती। ये आ गई है ग्रैनी यहाँ पे, और अब देख रही है किसने यहाँ पे क्या क्या गिराया हुआ है। अब या तो मुझे यहाँ पे ये ट्रैप लगा जाएगी, या फिर ऊपर डिफ़िकल्ट टाइम देगी, बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम देगी।
और ये ट्रैप लगा के चली गई है मुझे। मतलब ऐसी जगह पे कम कम जाया करो और जल्दी से भाग के वापस ऐसी जगह पे चले जाया करो जहाँ पे एक दो रास्ते हों, क्योंकि यहाँ पे ना फिर ग्रैनी बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम देती है। लाइक दो तीन ट्रैप्स लगा लेती है और फिर वो ट्रैप से अगर आप गुजरेंगे ट्रैप आपको पकड़ लेगा और फिर तो ग्रैनी ने आपको किल करना ही है, और ट्रैप से अगर नहीं गुजरेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अब 3-4 मिनट कौन इतना ज़्यादा इंतज़ार कर सकता है भाई, वो भी फालतू में। बस तो इसीलिए कह रही हूँ इन चीज़ों का ध्यान रखोगे ना तो इजी हो जाएगा। ये अभी तक मुझे नहीं पता चला कि इसमें है क्या, बाकी तो मेरी गेम बस क्लियर ही होने वाली है, लेकिन इसका मुझे अभी तक नहीं पता चला कि इसमें क्या है। खैर अभी हम डैशबोर्ड में देखते हैं क्या पार्ट ऑफ अ शॉटगन है। तो ये तो अच्छा हो गया कि अब सिर्फ हमें एक ही पार्ट कहीं से ढूंढना है। बट खैर हम इस दरवाज़े को भी गिरा के देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ है तो नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आई थिंक सो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अभी शोर तो वैसे कम ही था, पता नहीं ग्रैनी आती है या नहीं आती। ओह माय गॉड, चलो नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो में तुमसे मिलते हैं।